सर, मेरा भाई गया हुआ था, फोटो दिखाइए, जिसका नाम रविंदर उरांव है। हाँ। सर वो गया था। हाँ। मेरे पास उनका फोटो होगा। हाँ। पहले थोड़ा पुराना हो सकता है, नया तो नहीं है अभी फिलहाल। कब गया था ये? ये 23 तारीख को जनवरी में गया था सर। 23 जनवरी में जी। झारखंड में लोहरदगा का बेथेत वो बदनसीब गांव है जहां से 9 मजदूर एनटीपीसी प्रोजेक्ट में कमाने चमोली गए थे, लेकिन हिमप्रलय के बाद से ही लापता हैं। लापता मजदूरों के परिजनों का ये खबर सुनकर बुरा हाल है, किसी के घर चूल्हा भी नहीं जल रहा। प्राकृतिक आपदा और त्रासदी ने यहाँ के लोगों को दोहरी चोट पहुँचाई है। एक तो गरीबी, जिसकी वजह से कलेजे पे पत्थर रखकर अपनों को कमाने के लिए अपने से दूर किया, और अब उन्हें खोने का डर भी सता रहा है। बहन की शादी के लिए पैसे जुटाने रविंद्र उरांव चमोली गए थे, लेकिन हिमप्रलय के बाद उनकी कोई खबर नहीं है। भाई का रो रो कर बुरा हाल है। मेरा भाई गया हुआ था, फोटो दिखाइए, जिसका नाम रविंद्र उरांव है। हाँ। सर वो गया था। हाँ। मेरे पास उनका फोटो होगा। हाँ। पहले थोड़ा पुराना हो सकता है, नया तो नहीं है अभी फिलहाल। कब गया था ये? ये 23 तारीख को जनवरी में गया था सर। 23 जनवरी में जी। क्या क्यों जाना पड़ा, क्यों मजबूर हुए जाने में? जाने सर, लॉकडाउन में तो सबका स्थिति दयनीय था। हाँ। अभी तक हम लोग का रोजी रोटी किसी तरह चल रहा था, घर में बहन का शादी था, शादी नहीं हो पाया, पैसा नहीं करे, तो हम लोग सोचे कि अगर कमाने जाना चाहता है भाई तो एक साल जाके कमा खाओ, कुछ तो हो जाएगा। ये महिमा है, इंटर में अच्छे नंबर से पास हुई थी, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे, तो पिता भी बाकी लोगों के साथ 23 जनवरी को चमोली में एनटीपीसी प्रोजेक्ट में काम करने चले गए, और अब उनकी कोई खबर नहीं है। मेरा नाम महिमा बखला है। हाँ, तो आप इंटर में आपका फर्स्ट डिवीजन आया था जी, लेकिन आगे आप पढ़ नहीं पा रहे थे? नहीं, पैसा का प्रॉब्लम था इसलिए। तो क्या बोला फादर ने कि नहीं तुमको पढ़ाना है? हाँ, ऐसा तो बोले कि पढ़ना है तुमको तो कहाँ से हम पैसा देंगे, जब तक कमा के नहीं लाएंगे तब तक। 23 जनवरी को वो भी गए? हाँ, 23 जनवरी को वो भी गए एनटीपीसी में काम करने जी। ये सोना माई तो राव है, इनका नौजवान बेटा दीपक पहली बार घर से बाहर कमाने गया, लेकिन उसे क्या पता था कि ऐसा हादसा हो जाएगा। हाँ, कमाने के लिए गया बाकी लोगों के साथ? हाँ, वही लोग का साथ गया। कुछ खबर मिल रहा है आप लोगों को, कुछ पता ना, चला? कुछ पता नहीं चला। घर में चूल्हा वगैरह जल रहा है? ना। क्यों? क्या करेंगे, खाने पीने का मन नहीं कर रहा है तो। बड़ी बहन रीना ने बताया कि दीपक को फोन खरीदने के लिए पैसों की जरूरत थी, और बिना बताए ही वो चमोली काम करने चला गया। देख सकते हैं कि मेहनत करने वो इसलिए चला गया है क्योंकि स्मार्टफोन नहीं था, रिजल्ट उसके आने थे अप्रेंटिस के, आईटीआई उसने किया हुआ था तो उसके रिजल्ट आने थे, और उसे लगा कि यही एक तरीका है कि कुछ दिन जाके अगर कमा लें तो घर के लिए तो कुछ पैसे बचा पाएंगे ही, अपने लिए एक अच्छा सा हैंडसेट खरीदा सकता है, स्मार्टफोन, जिससे वो कनेक्टेड रहें मेन स्ट्रीम से और उनके मतलब की जो खबरें हैं वो उन्हें मिल सके, रोजगार को लेकर या फिर कहीं वो फॉर्म भरना चाहते हैं वो आसानी से भरा जा सके, इसके लिए वो चुपके से गए हैं यहाँ से। जी, चुपके गए हैं, कभी मतलब इस विषय में बातें नहीं हुआ कि हम कहीं बाहर कमाने जाए। हाँ। बस उसका यही सोच था कि हम पढ़ लिख कर कुछ भी नौकरी, सरकारी नौकरी करें। इस गांव के लोगों को मदद के बजाय सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, जिससे उनके जख्म और गहरे होते जा रहे हैं। एक लड़का था गम्हरिया का। हाँ। जिसका मजनू का साला था। हाँ। उसका जीजा मिसिंग है। हाँ। वो गया हुआ था। हाँ। वहाँ पे प्रशासन उसको कोई हेल्प नहीं कर रहा था, बशर्ते वो रात को, अदरात को 10 बजे वहाँ से रिटर्न हो गया है। ये लोग का जो कपड़ा था, आधार कार्ड फलना ढेकना सा था, वो समेट को लेके निकल गया दिल्ली के लिए। हाँ। अब वो आजकल में तो आप लोग आधार कार्ड वगैरह लेके गए थे वहाँ मिलाने? हाँ हाँ, नहीं मिलाने के लिए नहीं सर, वो लोग लेके गया था, उसको उठा के ले आ रहा है। लोहरदगा डीसी दिलीप टोप्पो कहते हैं कि अभी तक उन्हें लापता इस गांव के 9 लोगों की कोई खबर चमोली से नहीं मिली, हालांकि वो लगातार संपर्क में हैं। बहुत दुखद घटना है, यहां से इस गांव से करीब 9 लोग गए थे एनटीपीसी कंपनी में काम करने उत्तराखंड में। दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि कुछ घटना घट गई, आपदा हो गया, और अभी तक जो सवेरे बात किए थे हम लोग
11 बजे, उसे यही पता चला कि अभी तक मिसिंग है, लोकेट नहीं हो पाए हैं। और जैसे कि आपने पूछा कि किसी को भेजना चाहिए कि नहीं, तो हम लोगों ने सवेरे ही परिवार वाले लोग मेरे पास गए थे, तो हम लोग यही निर्णय किए कि वहाँ से कोई सूचना आता है उस हिसाब से हम लोग यहाँ से कुछ पीड़ित लोगों के आश्रितों को भेजेंगे और हमारा एक आदमी, एक पदाधिकारी को भी भेजेंगे। हम लोग लगातार वहाँ से संपर्क में हैं, जैसे सूचना मिलेगी तैसे हम लोग काम करेंगे। और इन परिवारों को किस तरह के राहत का क्या विकल्प है प्रशासन? देखिए, उत्तराखंड सरकार ने प्राकृतिक आपदा तो घोषित कर दिया है। हमने लेबर डिपार्टमेंट से बात किया तो उन्होंने बोले जो कंपनसेशन है वो इनको मिलेगा, आपदा वाली भी मिल जाए तो हम लोग इसके लिए पूरी प्रयास करेंगे और जो भी मदद हम लोग से हो पड़े, बन पड़े, हम लोग इनको उपलब्ध कराएंगे। वहीं आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी घटना को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की। हम लोग इसको लेकर बहुत चिंतित हैं और वहाँ कुछ कैजुअल्टी की भी सूचना है। 15 में से 9 आदमी की अभी मिसिंग की सूचना है, जिसको यहाँ से उपायुक्त से रिपोर्ट लेके हमारे आपदा सचिव ने उत्तराखंड के आपदा सचिव से संवाद स्थापित किया है और जो NTPC का काम चल रहा है उनके विवरीय अधिकारियों को इस संबंध में सूचित किया जा चुका है। तमाम मजदूर NTPC प्रोजेक्ट में काम करने तो गए थे, लेकिन ठेकेदार के अंदर यानी NTPC का सीधे उन मजदूरों से कोई वास्ता नहीं। ऐसे में इनके गरीब परिवार वालों को कैसे राहत मिलेगी ये भी उन्हें पता नहीं। टनल में या फिर NTPC प्रोजेक्ट में काम करने से पहले उनका इंश्योरेंस किया गया था या नहीं, ये भी यहाँ के भोले भाले लोगों को और उनके परिवार वालों को नहीं पता। ये थी लोहरदगा से कैमरामैन राकेश और सतीश सहदेव के साथ सत्यजीत कुमार की रिपोर्ट।